इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म सिंह सैनी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। बीजेपी से आए सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको नाम बता रहे हैं एक एक करके कि अभी किस किस के नाम सामने आ रहे हैं। ब्रजेश प्रजापति से लेकर भगवती सागर, विनय श्वाक के रोशन लाल वर्मा से लेकर मुकेश वर्मा, अमर सिंह पूर्व विधायक यूसुफ अली से लेकर नीरज मौर्य ने यहां समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म सिंह सैनी से लेकर तमाम बीजेपी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी को अब ज्वाइन कर लिया है। और लंबे समय से आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी से लगातार इस्तीफों का दौर भी जारी है, और आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया तो कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार किस पार्टी की ओर वो रुख करेंगे। हालांकि पहले से ही ऐसे संकेत मिल रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, जिसके चलते अब सारे विवादों पर खंडन जो है साबित हो रहा है, विराम लगता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित दीक्षित जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से देखा जा रहा है आखिरकार जिस तरीके से तमाम विवाद सामने आ रहे थे, अब वाकई में विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो यहां पर बीजेपी के मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन कर लिया। देखिए, आज यह पुष्टि हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रतापति, भगवती सागर, पूर्व मंत्री विनय साह, रोशन लाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, अमर सिंह, अपना दल अली यूसुफ अली, पूर्व राम विधायक हेम भारती, नीरज मौर्य व पूर्व विधायक, ये तमाम लोग जो है आज सपा में शामिल हो गए। आज यह सिद्ध हो गया पूरी तरीके से कि कुछ लोग जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया है, क्योंकि वहां पर इनकी जो है बातों को नहीं सुना जा रहा था, ऐसा आरोप है स्वामी प्रसाद मौर्य का। दलितों का जो है काम नहीं हो पा रहा था, पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो है सम्मान नहीं हो रहा था। और आप बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने, ये सुनने में आ रहा है कि अपने बेटे को लेकर भी टिकट मांग रहे थे, क्योंकि अपना तो करियर इन्होंने बनाया है, साथ में अब बेटे को भी जो चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन टिकट वहां से नहीं मिल पाई, ऐसा एक यह साफ तौर पर जारी हो रहा है। और आपको अहम बात बता दें कि हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया था, जिसमें कुछ विधायकों की जो है कमियां आई थी, तो इन वजह, ये भी कारण हो सकते हैं कि इन वजह से भारतीय जनता पार्टी से जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। पूरे हुजूम के साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है लोग वहां पर मौजूद रहे, इनका स्वागत किया, अखिलेश यादव ने जो है इनको सदस्यता दिलाई। जी, जिस तरह से देखा जा रहा था रोहित की, यहाँ पर जो मंत्री है उसमें तीन मंत्रियों के नाम शामिल थे, और बाकी ज्यादा से ज्यादा बात करें तो टोटल 14 नेता जो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी का दामन छोड़ा। क्या सारे के सारे जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ा है वो सभी समाजवादी पार्टी में जाते दिख रहे हैं आप? देखिए, प्रथम तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा था कि हम 14 तारीख को जो है खूंटा गाड़ेंगे, कील गाड़ेंगे, तो आज उन्होंने कील गाड़ दी है। धर्म सिंह सैनी भी उनके साथ पहुंच गए हैं, ब्रजेश प्रजापति भी पहुंच गए हैं, भगवती सागर जो पूर्व मंत्री थे वो भी पहुंच गए हैं, विनय साक्य भी पहुंच गए हैं, इसी तरह के तमाम वहां पर जो है पहुंचे हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के हैं, कुछ अपना दल के हैं। तो अब यह कहने वाली बात यह है कि इन लोगों को तो समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया, अब बात करें टिकट की तो समाजवादी पार्टी इनको कहां से लड़ाएगी यह अभी साफ नहीं कर पाई है। और वर्तमान विधायक जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वहां से अगर इन लोगों को टिकट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो आए हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या पूर्व समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे उनमें नाराजगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। कहना भी गलत नहीं होगा कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी से मंत्रियों का इस्तीफे का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, तो अब यहां पर समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है वो बढ़ने वाला है, और शायद अभी फिलहाल की स्थिति को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबदबा बढ़ गया है। शायद यही कारण कि तमाम जो अब नेता हैं वो अपना दल हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन छोड़कर वो बीजेपी से यहाँ पर सपा में ही आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधानसभा का चुनाव जो है ये बहुत ही
जो है संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में जो ये बीजेपी का जो नेता है, मंत्री है, जो पहुंचे हुए हैं, तो इसका मैसेज जो है यह सोशल मीडिया में आम जनता में गलत जा रहा है। कहने वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, इसका मैसेज जनता के प्रति गलत जा रहा है कि जो दलित हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के वर्ग के लोग हैं, इनको वहां सम्मान नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी में। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। केशव प्रसाद मौर्य ने समझाया भी स्वामी प्रसाद मौर्य को कि जो है पार्टी छोड़कर मत जाओ। और स्वामी प्रसाद मौर्य की यह पुरानी आदत है, पहले बीएसपी को छोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, फिर समाजवादी को पकड़ा, अब आगे किसको पकड़ेंगे यह स्वामी प्रसाद मौर्य ही बता सकते हैं। क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कारण ही जारी किए हैं कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। जी जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति दिख रही है, वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। और राजनीतिक पार्टियों के दलबदल की राजनीति तो कहीं ना कहीं ये रुख अख्तियार कर रही है कि विधानसभा चुनाव